गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि एक प्रोफेशनल तरह से लोगो अपने यूट्यूब के लिए कैसे बनाएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो में हम देखने वाले हैं लोगो कैसे बनाएं, वो भी मोबाइल फ़ोन से। ठीक है, इस तरह से प्रोफेशनल लोगो कैसे बनाएं, जिस तरह से मेरा लोगो बना हुआ उस तरह से प्रोफेशनल लोगो, हम इसके लिए हमें एक ऐप की ज़रूरत है जिसका नाम है पिक्स आर्ट। सब कोई जानते होंगे, वो प्ले स्टोर में इजीली अवेलेबल है। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसे आप खोलें, और खोलने के बाद उस को हम जैसे कि इसको खोलने के बाद हम उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, उस फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करेंगे। पूरा करने के बाद हम लोग को अभी ऐप खुल रहा है। ठीक है, खोलने में कुछ वक्त हो रहा है। ठीक है, खुलने के बाद हम लोग इस तरह से कोई आपका आएगा, तो हम नीचे सबसे नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो वहाँ पे बैक कलर चूज करने का ऑप्शन देगा। ठीक है, बहुत प्रकार के कलर हैं, आप कोई सा भी कलर चूज कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगा कि वाइट चूज करें बैकग्राउंड, तो मैं वाइट चुनता हूँ। मैं तो अपना के लिए लोगों के लिए वाइट ही चुना हूँ। उसके बाद राइट लेफ्ट कॉर्नर में आइएगा, वहाँ पर टूल दिख रहा है, टूल सेलेक्ट कीजिएगा। टूल सेलेक्ट के बाद सबसे टॉप में वो क्रॉप दिख रहा है, क्रॉप को सेलेक्ट करने के बाद उसे बस यहाँ पे नीचे स्क्वायर बॉक्स का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और टिक कर लीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। ठीक है, उसके खुलने के बाद आप इसमें कुछ टैक्स टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैं टैक्स पे क्लिक करता हूँ, जो टेक्स्ट दिया हुआ है आप कोई सा भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे अपना चैनल का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं कोई एक चैनल का टेक्स्ट ले लेता हूँ, जैसे कि मैं मान लीजिए कि ए लिख रहा हूँ, ए लिख के उसका हम ए बी टेक टेक्नोलॉजी चैनल बनाएंगे, जो भी हम ए बी टेक्नोलॉजी बनाने वाले हैं। इसका साइज हम रिड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं साइज यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं नीचे में, आप कलर फिल कर सकते हैं, मैं कलर चूज कर लेता हूँ। कलर बहुत फिलअप है, बहुत सारा ऑप्शन है। ठीक है, आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं, मैं प्रेफर करूँगा कि आप कोई सा भी चूज करें, आपकी मर्जी। ठीक है, मैं ये इसको इतना ही साइज रखूँगा और मैं इसका ऐसे ही रखूँगा। ठीक है, फिर हम इसको ओके कर देते हैं, हम दूसरा टेक्स्ट इंटर करेंगे, ए बी टेक मतलब हम लिखेंगे, ये बी हो गया, आपको बी ले लेता हूँ। आपको बस बताने के लिए मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ। ठीक है, इस मतलब कि इस तरह से लिख रहा हूँ, आप कोई सा भी अपने मुताबिक आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी अपने मुताबिक ले सकते हैं, बस मैं बताने के लिए ऐसे इसको एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये हो गया, इसमें कलर फिलअप कर देता हूँ। कलर मैं मान लीजिए कि रेड ले लेता हूँ, इसको यहाँ रख, ये हो गया, कहीं भी रख सकते हैं आप। बस इसको थोड़ा अच्छा वक्त दे के आप बनाइएगा, एक बार बनाइएगा तो बार बार मतलब कि एक बार बनाने के बाद हमेशा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत बारीकी से बनाइएगा, अच्छा प्रोफेशनल तरीके से बनाइएगा। तो मैं प्रिफेयर करूँगा कि आप थोड़ा वक्त दे इसके ऊपर। ठीक है, मैं तो बस सिंपली बना दे रहा हूँ, ये हो गया। अब इस पे नीचे टेक्नोलॉजी चाहे टेक लिख देता हूँ। ठीक है, मैं टेक लिख देता हूँ इसके ऊपर, टेक्स्ट पे फिर क्लिक करके मैं टेक लिख दे रहा हूँ। बस सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है, बस किसी को मालूम नहीं है कि किस तरह से बनता है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है, नहीं तो बहुत आसान है। ठीक है, हम टेक लिख देता हूँ, टेक लिख दिया और ओके कर देता हूँ। ये बहुत आसान है। आप एक और वीडियो है मेरा जो थंबनेल का वीडियो है, उसमें भी देख सकते हैं प्रोफेशनल बहुत एचडी मतलब कि थंबनेल बना के मैं आपको उस वीडियो में बताया हूँ। वो वीडियो को जाइए देखिए और उसको भी आप सीख सकते हैं कैसे अच्छा खासा थंबनेल बनता है। ठीक है, उसका साइज हम फॉन्ट एक ही रखता हूँ, फॉन्ट मैं प्रिफेयर करूँगा कि फॉन्ट भी आप ब्लैक इसको ले लेता हूँ। टेक, ये हो गया, इसको ओके कर देता हूँ, हो गया, ये आपका हो गया, रिटेन वर्क पूरा ख़त्म हो गया हम लोग का, रिटेन वाला काम पूरा ख़त्म। अब इसमें एडिटिंग करना है, एडिटिंग एडिटिंग के लिए आप चले आइएगा ड्रॉ में, यहाँ ड्रॉ दिख रहा है। ठीक है, ड्रॉ में क्लिक कीजिएगा, ड्रॉ में क्लिक करने के बाद आप राइट कॉर्नर में देखिएगा,
कलर चूज करने का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक ऑलरेडी है पहले से, इसलिए छोड़ दीजिएगा। यहाँ लेफ्ट राइट कॉर्नर में आपको दिख रहा है कि यहाँ शेप, तीसरा ऑप्शन जो दिख रहा है शेप का प्लस लिखा साइन दिख रहा है, उस पे आप सर्कल चूज कर लीजिएगा। और यहाँ पे स्टॉक में चूज कर लीजिएगा, सर्कल का स्टॉक चूज कर लीजिएगा। फिल का भी ऑप्शन है, स्टॉक का भी ऑप्शन है, आप स्टॉक का चूज कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। ओके करने के बाद आप बस सिंपली से एक ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। ओके करने के बाद एक हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, क्या सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम लोग का सर्कल हो गया, ठीक है। यह हम लोग का सर्कल हो गया, ठीक है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद ओके कर लीजिएगा, ये हो गया ओके, ठीक है। 90% ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो गया लोगो, 90% कंप्लीट हो गया। बस इसमें थोड़ा सा बस फिनिशिंग है। ये आइए फिर से हम लोग टूल में आएंगे, ठीक है। टूल में सबसे ऊपर देखेंगे, थर्ड ऑप्शन पे दिया हुआ है शेप क्रॉप, शेप क्रॉप का ऑप्शन दिया, उसको हम लोग करने के बाद हम लोग सर्कल का यहाँ शेप जो दिया है उसको उठा लेंगे, क्या सर्कल वाला जो शेप दिया है वो उठा लेंगे। और उठाने के बाद हम लोग इसको, ये हो गया हम लोग का, अब बस इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद ये हम लोग का हो गया। अब इसका हम लोग साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। साइज थोड़ा सा बढ़ाते हैं बस, ज़्यादा नहीं। ये हो गया हम लोग का, ये हो गया। अब हम लोग इसका कलर चूज कर सकते हैं, जैसे कि ये हो गया, कोई सा भी कलर चूज कर सकते हैं, ब्लैक हो या रेड हो या पिंक हो या येलो हो, ये कोई सा भी आप चूज कर सकते हैं। और प्रोफेशनल तरह से आपका लोगो बन गया, ठीक है। ये प्रोफेशनल तरह से लोगो बन गया आपका, कोई सा भी कलर चूज करिए, ये अपना लगाइए चैनल पे। और इसमें बहुत सारा आप एडिट कर सकते हैं। आप पसंद आया वीडियो तो लाइक करें और शेयर करें। और प्लीज़ इस वीडियो को, इस चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। और ताकि हमें थंबनेल का एक और वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ से जाइए देखिए। और बारीकी से HD कलर का, HD थंबनेल बनाने का आपको तरीका बताऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।